पहला फॉर्मूला आपको दिए डी एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। अगर डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, और डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो देखिए ये है तीनों एक जैसा, लेकिन इसका देखो चिन्ह, तो ऐसा क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये एक टाइप का हो गया फैक्टराइजेशन तीन। अब तीन अदर टाइप का है, जैसे इसको नंबर टू डाल देते हैं, यहाँ भी तीन आपको याद रहेगा, तीनों एक ही जैसा एक से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट है क्वेश्चन आपका सेम रहेगा केवल डी एक्स बाय और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और यहाँ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। अब समझ में आया कि इस तीनों इससे रिलेटेड है, केवल स्क्वायर रूट में डाल दिया है, सब कुछ सेम, केवल आपका स्क्वायर रूट में इसको डाल दिया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर और जो क्वेश्चन है वही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और डी एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिक्स हो गया। तो ये दोनों का मैंने मीन सेम क्वेश्चन है, केवल सब में स्क्वायर रूट है, ठीक है। और लास्ट में तीन और है जिसका भी हम यूज में लाते हैं। अब उस तीन में क्या करोगे, ये सब पर एक्सरसाइज बना दिया है, एनसीईआरटी में मिक्सअप कर दिया, एनसीईआरटी में 7.4 में सब मिक्सअप करके डाल दिया, लेकिन आरएस अग्रवाल में जाओगे तो एक एक्सरसाइज इस पर बना दिया तीनों पर, एक एक्सरसाइज सब मोर इंटीग्रल करके इसमें दे दिया, और तीन और है जो कि थर्ड में है, इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिए। फर्स्ट में है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, केवल ये डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, यहां वन डिवाइडेड बाय नहीं है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो, यानी केवल ये टर्म, और थर्ड में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो। तो तीन और मोर इंटीग्रल दे दिया, तीन आपका और दे दिया। अब इस तीन का फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग है, ये सभी में जो क्वेश्चन है पहले आप इसको लिख लीजिए इंटीग्रेशन में, और सब में x बाय टू यहां भी लगा दीजिए, और इस क्वेश्चन को लिख दो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी x बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद रखने के लिए ट्रिक है ये, यहां भी x बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लिए। अब तीनों में इसमें प्लस करना, इसमें माइनस, इसमें प्लस, अब प्लस माइनस प्लस किए, यहां होगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए,
ये आपका एक्स्ट्रा, देखो ये तो याद रखने के लिए आसान रहेगा, जो फर्स्ट में था साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी और ये एक्स्ट्रा बढ़ गया ए स्क्वायर बाय टू, जबकि दूसरा में हम करेंगे तो ए स्क्वायर बाय टू यहां भी होगा, ए स्क्वायर बाय टू इसमें भी होगा, यानी तीनों में ए स्क्वायर बाय टू होगा। अब यहाँ पर जो लॉग में आप लिखे हो सेम लिख दोगे, यहाँ भी जो लॉग में लिखे हो सेम हम लिख देंगे, बस ये जो लिखे हो ना थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर वही यहाँ लिखा जाएगा, लॉग याद रखने के लिए एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सब में प्लस सी हो जाएगा। तो एक ट्रिक से इसको याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आगे अब क्वेश्चन जो आएगा इसी पर बेस्ड आएगा, तो जरा सा इस पर हमको ध्यान देना है ना। ये आपका आरएस अग्रवाल में तीन एक्सरसाइज बना दिया है और अभी हम इसलिए इसको लिखा दिए कि क्वेश्चन में जब डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि सर कहाँ से लिख दिए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर बाय वन और डी एक्स अपने से लगा। अब देखिए x टू द पावर 6 को हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहेंगे, तो अगर आप यहां पर जैसे x टू द पावर 6 है तो इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर q इंटू x टू द पावर q दो पार्ट में, और अगर एक को हम t मान लेते हैं पुट एक्स टू दी पावर क्यू को मान लिए टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साथ सुन रहे हो, हाँ, तो इसको एक्स टू दी पावर क्यू इज इक्वल टू टी मान लिए तो डिफरेंशिएट किए बोथ साइड में थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए इतना ऐसा क्वेश्चन सेट रहता है कि इस डिनोमिनेटर का और डी एक्स का वैल्यू आप डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया डायरेक्ट डी टी, यानी वन बाय और ये देखो एक्स टू द पावर सिक्स का मतलब क्यू और क्यू यानी टी इंटू टी, तो क्या बन जाएगा इससे टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। देखिए क्वेश्चन अब बताओ, अभी जो नाइन फॉर्मूला पढ़ाए थे उसमें ये जो फॉर्मूला था फॉर्मूला नंबर थर्ड याद है, जो टेन इनवर्स वाला बताए थे कि भूल गया, थर्ड में हम थर्ड का जो फॉर्मूला हम बताए थे जिसमें था डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए टाइम इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, यही बताए थे फॉर्मूला थर्ड नंबर में लिखे थे। देखिए सेम इसी पे क्वेश्चन आ गया डी एक्स बाय हम डी टी यहां लिखे चाहे यहां कर दे डी टी कोई अंतर तो नहीं है बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स आपका टी हो गया
और ए आपका यहाँ पर वन हो गया, वन का स्क्वायर। डायरेक्ट इसमें केवल पुट कर देना है वन बाय ए, लाइन कट गया। एक मिनट, लाइन कट गया था, आवाज सुन पा रहे हो? हाँ, तो देखिए यहां पर हम इसी में वन बाय ए का वैल्यू आपका वन ही है, वन लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन फॉर्मूला में पुट करने के लिए हम लिख दिए। और टैन इनवर्स एक्स बाय ए, तो टी बाय ए का वैल्यू वन प्लस सी, लेकिन क्वेश्चन था एक्स के फॉर्म में, तो आप इसको एक्स के फॉर्म में क्या लिखोगे? वन को तो हटा ही दिए, तो टैन इनवर्स और टी इज इक्वल टू है एक्स क्यूब बाय वन को छोड़ दिए प्लस, यही आपका आंसर होगा। टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर क्यू प्लस सी। हाँ, करो उसे ज्यादा ब्रैकेट में करो। तो क्या देखें, अगर आप फॉर्मूला ये याद है तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कुछ भी समय नहीं लगा ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में रूट अंडर फोर एक्स स्क्वायर डीएक्स, आपको रूट में भी बताए थे फॉर्मूला, थर्ड के बाद फोर फाइव सिक्स जो था वो रूट में था, है ना? फोर फाइव सिक्स जैसे फॉर्मूला नंबर सिक्स में, हाँ गुड, सिक्स में हम क्या लिखे थे फॉर्मूला जरा बताओ। हाँ हाँ, आप फॉर्मूला लिखे थे फॉर्मूला नंबर सिक्स में, dx बाय रूट अंडर, अब इसको चूंकि प्लस है बीच में तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, उससे कोई अंतर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही लिखा थे ना, हमको इसी फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना। तो आपको देखिए यहां पर जो x है, x के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई है, 4 है। तो अगर आप एक्चुअल में ये रूट अंडर है तो आप एक काम करो, 1 बाय रूट अंडर 4 ऊपर भी डिवाइड कर दो और रूट अंडर फोर नीचे भी डिवाइड कर दो, कोई अंतर इसमें? हमको चूंकि आपको जब ये फोर हटेगा तो अब देखो दोनों स्क्वायर रूट में है, इसका स्क्वायर रूट निकल गया वन बाय टू और ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, देखो रूट अंडर रूट अंडर, यानी ये फोर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो वन बाय फोर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाय फोर। तो आप क्या देख रहे हो कि ये फोर और फोर कैंसिल हो गया, वन बाय टू को बाहर कर देंगे, कॉन्स्टेंट आ गया और डीएक्स डिवाइडेड बाय डीएक्स आपको यहां ना लिख के यहां लिख दिए और वन बाय फोर को लिख देते हैं वन बाय टू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो ये अब इस पोजीशन के फॉर्म में आ गया, ये बन गया x और ये बन गया a। बोलिए
एक्स तुम्हारा एक्स सिंगल एक्स हो गया, क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो वो आपको सेम पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप फॉर्मूला ठीक है, एक्स यहाँ पर पहले है तो आप पहले ही लिख दो, उससे कोई अंतर नहीं है। डी एक्स बाय हमको यहीं पर लिख देना था, चलिए हम बाद में कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला लगा दो ये वाला, तो हाफ तो रहेगा, हाँ हाँ, क्योंकि आपको यहां पर फोर था तो फोर से खाली डिवाइड करने से नहीं होगा ना, जैसे आपका रूट अंडर है वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, अगर रूट नहीं रहता तो केवल फोर से डिवाइड कर देते, अगर रूट नहीं रहता तो केवल हम फोर से डिवाइड करते तो एक्स स्क्वायर अकेला बच जाता, तो चूंकि रूट अंडर है तो यहां भी रूट अंडर ले लिए और दोनों स्क्वायर रूट हो गया था, स्क्वायर रूट में डाल दिए दोनों, देख रहे हो ना, दोनों का स्क्वायर रूट में डाल दिए, तो जब नीचे किए उतना हम ऊपर भी डिवाइड कर दिए। अब इस फॉर्मूला में अरेंज कर दो, हाफ लॉग एक्स प्लस, तो एक्स तो एक्स ही आ गया अकेला, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर क्या है वन बाय, हाँ वन बाय टू का होल स्क्वायर है, तो यहां पर लिख सकते हो वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको जरा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं और नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो यहां पर तो थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे आप यहीं पर छोड़ दो, ज्यादा इस पर लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, एक था फॉर्मूला नंबर थ्री पर बेस्ड और एक था फॉर्मूला नंबर सिक्स पर बेस्ड, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, हाँ कर लो पहले, हो गया नोट कर लिए, बस एक मिनट। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए, हाँ रूट इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर टू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन डी एक्स। तो यहां पर पहले आपको देखना कि किस फॉर्मूला रूट वाला किस में था, तो फोर फाइव सिक्स में था रूट वाला, तो इसमें किस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे रूट वाले में, फॉर्मूला नंबर बता सकते हो, सिक्स जो अभी हम जस्ट बनाए हम उसी का यूज करेंगे, जो अभी आप बताए इंटीग्रेशन डीएक्स बाय
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी क्या लिखे थे, लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखे थे ना। हम यहां पर भी इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहां पर भी हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि आपका रूट अंडर देखो इस फॉर्मूला से मिल भी रहा है। केवल यहां पर x है और x के प्लेस पर यहां क्या है, 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स भी रहेगा। इसे देखो 2 माइनस एक्स है का स्क्वायर, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो तो ब्रैकेट तोड़ो तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, तो यही क्वेश्चन नहीं आ गया। और माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी इसको हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को आप 1 बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट अंडर आप लिख सकते हैं dx बाय। चलिए कर सकते हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां अंडर रूट है ना, अंडर रूट है और स्क्वायर भी है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। अब आप अगर आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हो, अगर पुट कर सकते हो क्या, अगर x माइनस 2 को अगर t मानते हो कोई अंतर नहीं है, लेकिन चलो पुट कर दो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ गया, डायरेक्ट dt नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप यहां पर dx बाय इसका वैल्यू t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर, यहां x है यहां केवल t है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर, x ना दे करके यहां क्या कर देंगे, t प्लस रूट अंडर t का स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस टी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, टी के प्लेस पर पुट कर देंगे एक्स माइनस टू और ए के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे तो वन, तो लॉग एक्स माइनस टू प्लस रूट अंडर एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी, हो गया ये आंसर। केवल फॉर्मूला आपको मालूम है, डायरेक्ट आप पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4, वन बाय रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। आप खुद बता सकते हैं कि ये तो 93 का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 25 मेरा एक्स्ट्रा है, उस 25 को हटाना है, तो 20 अरे वो भी रूट के अंदर है, कहाँ है वो भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर आप ऐसा करते हैं, जैसे यहां पर रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है, अगर आप डिवाइड रूट अंडर 25 ही करते हो तो दोनों में स्क्वायर रूट है, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और बाय 25 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट है। अब ये 25 दोनों में डिवाइड हो गया, तो 9 बाय 25 और माइनस 25 एक्स स्क्वायर बाय 25,
अब 25 कट गया और ये रूट अंडर है, तो इसको आप रूट अंडर 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तब जाकर के देखो इस फॉर्मूला में आपका अरेंज हो रहा है, हो रहा है। तो हम इतना ना करके डायरेक्ट तो अगर यहां पर लिखो तो जैसे 25 डिनोमिनेटर में डिवाइड किए तो उतना डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ हाँ, तो यहां हो जाएगा 1/5 क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट लिख देते हैं रूट अंडर 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डीएक्स, और ये 1/5 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसको 1/5 को बाहर कर लो और डीएक्स बाय रूट अंडर 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपका ये फॉर्मूला में आ गया। किस फॉर्मूला में आया? फॉर्मूला नंबर कितना में लिखाए थे इसको? 4 है। तो इसका क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो यहां हो जाएगा साइन इन 1/5, 5 तो दिया हुआ 1/5, साइन इनवर्स, और क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स के प्लेस पर एक्स है और ए के प्लेस पर 3/5 है प्लस सी, अरेंज कर दो, इसको डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, यही आपका आंसर आ गया, साइन इनवर्स 5x। तो ये समझ में आ गया, तो ऐसे ही इसको बनाओगे, ठीक है। चलो आज इन करते हैं क्लास।